रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने जींद उपचुनाव में इनेलो का गढ़ तोड़कर कांग्रेस की जीत होने की बात कही। दीपेंद्र ने कहा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए जींद उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला मजबूत उम्मीदवार है और साफ छवि के नेता है, इसलिए जनता कांग्रेस का साथ देगी। देखिए, सारे चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये बड़े जिस समय पे चुनाव हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, नहीं संदेह। और इस चुनाव में जो जींद विधानसभा सीट पे पिछले दो चुनाव से लोकदल वहाँ से जीती है इनेलो, और लोकसभा चुनाव में भाजपा को वहाँ से बढ़त मिली थी।